नमस्कार, आप सुन रहे हैं हिमाचल अभी अभी का रेडियो बुलेटिन दिव्या चौहान के साथ। 11 जुलाई रविवार का दिन है। चलिए अब आपको हिमाचल और देश विदेश में अभी तक क्या कुछ घटनाक्रम हुआ उसकी जानकारी देते हैं। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। पालमपुर में गन पाउडर के विस्फोट से झुलसा व्यक्ति, IGMC रेफर। कांगड़ा सरकार के कोरोना अलर्ट के बाद मनाली में 60 तो शिमला में घटे 10% पर्यटक। हिमाचल में निजी स्कूलों की फीस नियंत्रित करने का विधेयक मानसून सत्र में पेश करने की तैयारी। हिमाचल के कई जिलों में आज आंधी और बारिश का अलर्ट। एक ही बार में कोरोना के 2 वेरिएंट से महिला संक्रमित, अस्पताल में हुई मौत। उत्तर पूर्व में खतरनाक डेल्टा वेरिएंट की दस्तक। त्रिपुरा में पहली बार सामने आए 138 मामले, कर्फ्यू बढ़ाया। अब विस्तार से चर्चा करते हैं इन खबरों पर। आप जानते हैं कि कोरोना की लहर देश में कमजोर पड़ने लगी है, संक्रमितों के आंकड़ों में कमी आई है, लेकिन हमें अभी भी एहतियात बरतने की जरूरत है। इसलिए लापरवाही बिल्कुल न बरतें। 3 मंत्र जरूर याद रखें। मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए उचित दूरी बनाए रखें, हाथ व मुंह साफ करते रहें। कोरोना से बचाव के लिए अपनी बारी आने पर कोरोना का टीका जरूर लगवाएं, और जो लोग पहला टीका लगवा चुके हैं वो समय आने पर दूसरा टीका जरूर लगवाएं। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। पालमपुर के चचिया का एक व्यक्ति गन पाउडर विस्फोट में लगी आग में झुलस गया। उसे टांडा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में उपचार के लिए भेजा गया, जहां से उसे IGMC के लिए रेफर कर दिया गया है। व्यक्ति 95% तक झुलस गया है। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि नगरी निवासी 40 वर्षीय महेंद्र सिंह वहां कश्मीर सिंह की गन शॉप में गया था। गन शॉप के साथ ही कश्मीर सिंह की वर्कशॉप भी है, जहां पर वो गन पाउडर रखता है। पुलिस के मुताबिक गन पाउडर असुरक्षित ढंग से वर्कशॉप में रखा गया था। महेंद्र सिंह जैसे ही कश्मीर सिंह की दुकान पर आया तो उसे वर्कशॉप में जाने दिया, जिस स्थान पर गन पाउडर रखा था। कुछ ही देर में वहां पर 2 विस्फोट हो गए और वर्कशॉप के एक शेड ने आग पकड़ ली। केंद्र सरकार के कोरोना अलर्ट का असर काम कर गया है। मनाली में 60 तो शिमला में 10% पर्यटक घट गए हैं। इस वीकेंड मैदानी राज्यों की गर्मी से राहत पाने कम संख्या में सैलानी हिमाचल प्रदेश पहुंचे। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने 6 जुलाई को प्रेस वार्ता कर प्रदेश सरकार को पर्यटन स्थलों पर कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर नियमों का पालन न होने पर आगाह किया था। दोबारा बंदिशें लगाने पर भी चेताया था। कोरोना की बंदिशों में छूट मिलने के बाद बीते 3 वीकेंड के दौरान प्रदेश के पर्यटन स्थलों के होटलों में ऑक्यूपेंसी फुल रही। भारी संख्या में बाहरी राज्यों के लोग शिमला, मनाली, डलहौजी, धर्मशाला और कसौली सहित अन्य क्षेत्रों में पहुंचे। इसी बीच सोशल मीडिया पर मनाली और शिमला में कोरोना संक्रमण के बचाव को तय नियमों का पालन न होने को लेकर फोटो वायरल हुई। इस पर स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने कड़ा संज्ञान लेते हुए 6 जुलाई को नई दिल्ली में प्रेस वार्ता कर प्रदेश सरकार को चेताया था। अन्य समाचार सुनिए ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। BPL परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ECH की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा।
हिमाचल प्रदेश निजी स्कूल फीस और अन्य मामलों का विनियमन विधेयक 2021 विधानसभा के 2 अगस्त से शुरू होने वाले मानसून सत्र में पेश करने की तैयारी है। आम जनता से मिले सुझावों के आधार पर शिक्षा निदेशालय ने रिपोर्ट तैयार कर सरकार को भेज दी है। आगामी कैबिनेट बैठक में विधेयक के प्रारूप पर मंथन होगा। कैबिनेट से मंजूरी मिलने पर विधानसभा में इसे कानून बनाने के लिए रखेंगे। कोरोना संकट में कई निजी स्कूलों पर मनमानी फीस वसूलने के आरोप लगे हैं। इसके चलते ही सरकार ने बीते माह कैबिनेट बैठक में विधेयक पर चर्चा की। शिक्षा विभाग को विधेयक में बदलाव लाने को लेकर सुझाव दिए। इसी बीच उच्च शिक्षा निदेशालय ने आम जनता से सुझाव आमंत्रित कर विधेयक में संशोधन करने का प्रस्ताव दोबारा से सरकार को भेजा है। हिमाचल प्रदेश के ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन व सिरमौर जिला में आंधी बारिश व बिजली गिरने को लेकर रविवार व सोमवार को मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मंगलवार तक प्रदेश के कुछ ऊंचे क्षेत्रों में हिमपात और अधिकतर स्थानों पर बारिश की संभावना है। प्रदेश में कई स्थानों पर शनिवार रात को बारिश हुई। इसके कारण उमस भरी गर्मी से राहत मिलने के साथ मैदानी क्षेत्रों में खरीफ की फसल को संजीवनी मिली है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि ये बारिश भी कम है और कृषि व बागवानी के लिए अधिक बारिश की आवश्यकता है। उधर लगातार कम बारिश होने के कारण सेब व अन्य फलों का आकार सही नहीं बन पाया है। बेल्जियम में कोरोना वायरस के बदलते वेरिएंट का एक अपने तरह का पहला मामला सामने आया है। यहां 90 साल की एक बुजुर्ग महिला कोरोना के एक नहीं बल्कि 2 अलग अलग वेरिएंट से एक साथ संक्रमित हो गई और महिला की जान चली गई। जांच में पाया गया कि महिला कोरोना के अल्फा और बीटा दोनों ही वेरिएंट से संक्रमित थी। इस मामले में शोधकर्ताओं की चिंता बढ़ा दी है। महिला काफी समय से घर में अकेली रह रही थी। महिला ने अभी तक कोरोना रोधी वैक्सीन नहीं लगवाई थी। बीते दिनों तबीयत बिगड़ने पर बेल्जियम के ऑल्स्ट शहर में ओएलवी अस्पताल में भर्ती करवाया गया और उसी दिन महिला की कोरोना जांच रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई। शुरुआत में महिला का ऑक्सीजन स्तर अच्छा रहा, लेकिन तबीयत तेजी से खराब होती गई और सिर्फ 5 दिनों के अंदर महिला की मौत हो गई। भारत के उत्तर पूर्व में पहली बार डेल्टा प्लस का मामला सामने आया है। ये मामला त्रिपुरा में आया है। इससे पहले उत्तर पूर्व के असम, मणिपुर और मिजोरम में डेल्टा वेरिएंट के मामले सामने आ चुके हैं। अगरतला सरकारी मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रमुख प्रोफेसर डॉक्टर तमन मजूमदार का कहना है कि त्रिपुरा से कुछ सैंपल पश्चिम बंगाल के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक में जांच के लिए भेजे गए थे। जांच के बाद 138 मामले डेल्टा प्लस और 10 मामले डेल्टा वेरिएंट के सामने आए हैं। इसके अलावा 3 मामले अल्फा वेरिएंट के भी सामने आए हैं, जो सबसे पहली बार ब्रिटेन में पाया गया था। डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट के खतरे को देखते हुए सरकार ने एक सप्ताह के लिए कर्फ्यू बढ़ा दिया है और शनिवार से कई प्रतिबंध भी बढ़ा दिए गए हैं। इसी के साथ ये रेडियो बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।